हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू ट्यूटोरियल और इस बार मैं एक्सिस क्यूब का ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। ये क्यूब लास्ट ईयर ही मार्केट में आया है और ये एक 3x3 मॉड है। ये क्यूब थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तब आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि इसके एल्गोरिदम्स थोड़े अलग हैं 3x3 से। ये मैंने अमेजोन पर लिया था और ये बहुत स्मूद है। ये YJ एक्सिस क्यूब है और मुझे बहुत पसंद है। अभी हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा क्यूब है और अभी इसका जो फर्स्ट लेयर है वो ये है। इसमें भी 9 पीसेस है, जैसा 3x3 में रहता है। एक सेंटर, 4 एजेस और 4 कॉर्नर्स। इसका जो सेंटर है वो 2 कलर का होता है और इसके जो 4 एजेस है वो उनमें से 2 ट्रेपेजियम्स है और 2 2 कलर के साइड्स है, और जो 4 कॉर्नर्स है वो ट्रायंगल्स है और एक 3 कलर का है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम कॉर्नर से 4 एजेस जोड़ेंगे, फिर ये जो बचे हुए सेंटर्स है जो इसके साथ मैच हो रहे हैं, ये क्रॉस के साथ हम उसे ये मैच करेंगे, फिर फर्स्ट लेयर बनाएंगे, फिर सेकेंड लेयर और फिर लास्ट लेयर। ये क्यूब का ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब मैं इस क्यूब को शफल करूँगा। अब मैंने इस क्यूब को शफल कर दिया है और ये शफल होने पे ऐसा दिखता है। मैंने इसको एकदम रैंडमली शफल किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी साइड या एज किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। अभी फर्स्ट स्टेप ये है, आप कोई भी सेंटर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑरेंज और येलो सेंटर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं वो प्रिफर करता हूँ। अभी आपको इसके 4 एजेस याद रखने के हैं। एक है येलो ट्रेपेजियम, जैसा कि आप देख सकते हैं येलो कलर का, दूसरा ऑरेंज ट्रेपेजियम और उसका 2 कलर के साइड रहेंगे। पहले हम ट्रेपेजियम जोड़ेंगे, पहले ट्रेपेजियम ढूंढते हैं। पहला वाला इधर है, बी ये लास्ट लेयर में और ये फर्स्ट लेयर में। तो आप का पहले मूवमेंट समझ लीजिए और इसे इस साइड घुमाइए और टॉप लेयर में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पे नहीं, हम इसको ऑरेंज के साथ इस जगह पे नहीं, हम इसको ऑरेंज के साथ मैच करने का है। नीचे लीजिए, ऑरेंज साइड घुमाइए और मैच कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यही जगह पे मैच होएगा, पर ये उल्टा है। ये जो एज है ये साइड से यहाँ आ सकता है और पीछे साइड से आ सकता है। अगर आप ये साइड से इस एज को डालने में नाकाम है तो आप पीछे से डालिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने डाला है। अभी ये मैच हो गया है। अभी हम येलो का ट्रेपेजियम ढूंढेंगे और उसे मैच करेंगे जो है इधर। अभी इसे घुमा के देखते हैं, ये मैच हो गया। अगर ये मैच नहीं होता, समझिए इधर होता, मैच करके देखे नहीं होता है, तो मैंने बोला इसके 2 वेज है, एक यहाँ पीछे से और एक इधर सामने से, जैसा कि यहाँ मैच हुआ है। अभी अगर आपको याद नहीं कि जो दो दो कलर के साइड्स हैं उसमें सेकंड कलर कौन सा है, एक कलर येलो रहेगा इसका। अगर आपको दूसरा कलर याद नहीं तो आपको पहले देखना पड़ेगा, अच्छे से देख लीजिए आपको कौन सा सेंटर चूज करना है और याद रखें कि वो कौन सा कलर है। मेरे को याद है येलो और ग्रीन का वो दो कलर का साइड है, तो वो अभी ढूंढूंगा जो कि इधर है, आप देख सकते हैं। अभी मैं उसको इधर मैच करूंगा। अभी इधर येलो है तो इस साइड येलो आना चाहिए और टॉप साइड में ग्रीन। अगर मैं ऐसे इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ ग्रीन आता है और यहाँ येल्लो आता है। इसका भी सेम है, आप यहाँ से डाल सकते हैं और एक पीछे से डाल सकते हैं। आप देखिए, अगर यहाँ सामने से नहीं हो रहा है तो आप पीछे से डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आप पीछे से डाला और ये मैच हो गया। अभी यहाँ ग्रीन तो यहाँ का भी ग्रीन होगा, तो दूसरा जो चौथा हम लोग का जो है एज वो है ऑरेंज और ग्रीन, वो ढूंढिए जो कि है इधर। भी ये थर्ड लेयर में हम लोग को फर्स्ट लेयर मिलाने का है, इसे इधर घुमाएं ताकि हम इसको एक साथ घुमा सकें। मैं इसको जब घुमाता हूँ तब देखिए ये फ्लिप्ड है, ऑरेंज इधर होना चाहिए, ग्रीन इधर होना चाहिए। तो हम मैं आपको बताया इसके 2 वेज है, एक सामने से और एक पीछे से,
सामने से नहीं गया तो हम पीछे से डालेंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने पीछे से डाला और वो मैच हो गया। भी यहाँ पर मैंने क्रॉस बना लिया है। ये सेकंड स्टेप है, ये क्रॉस को एक्सटेंड करना, मतलब ये जो कॉर्नर्स है, ये सेंटर्स है, ये नीचे और इधर, हम इसे इसके साथ मैच करें। अभी यहाँ दो जगह ग्रीन है तो यहाँ भी दो जगह ग्रीन है, तो ग्रीन ग्रीन को मैच कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पहले से दोनों मैच्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर मैच नहीं है। एक एग्जांपल ये है, जैसे कि यहाँ एक मैच्ड है, हमें ये उसकी तरह ही मैच करने का है। इसे इसके साथ मैच करने के लिए जो नीचे ऐसे पकड़िए कि जो एज वो नीचे है थर्ड लेयर में, भी इसको 180 घुमाइए, इसको टॉप लेयर में रखिए, इसको राइट साइड में एक बार घुमाइए। भी इन दोनों में एक कलर है ग्रीन और ये सेंटर में ग्रीन कलर है, तो इसको घुमाइए जब तक ग्रीन नहीं आता, और मैच करके देखिए। देखिए यहाँ मैच हुआ, सही मैच होता है, इसको वापस अपनी जगह पे 180 डिग्री घुमा के अपनी जगह पे ले आइए। ये मैच हो गया इसके साथ कॉर्नर सेंटर, सॉरी। भी इसको भी मैच करने का है, जैसे कि आप देखते हैं मैच नहीं है और ये थर्ड लेयर में, इसको पहले टॉप लेयर में लेके जाएंगे, राइट साइड में घुमाएंगे। भी ये येल्लो है और यहाँ दोनों में येल्लो है, तो हमें इसके साथ इसको येल्लो के साथ जोड़ना है। इसे घुमाइए, येल्लो को इस येल्लो के साथ जोड़ना है, जोड़ के देखिए ये मैच हुआ। कभी कभी ये मैच नहीं होएगा क्योंकि इसके दो जगह से हम इंसर्ट कर सकते हैं कि ये एक ये, तो यहाँ नहीं होता तो आप दूसरी जगह ट्राई कीजिए क्या होएगा, और जैसे ही होता है नीचे ले आइए। ये लास्ट, ये ऑरेंज, ये और ये ऑरेंज और ब्लू सेंटर है, से थर्ड लेयर में रखिए, 180 घुमाइए, टॉप लेयर में लेके जाइए, फिर राइट साइड में घुमाइए। ये ऑरेंज है तो ऑरेंज के साथ मैच कीजिए। भी एक ऑरेंज इधर है, यहाँ मैच हुआ नहीं तो दूसरा लेके आइए जो कि ये है, तो इसको मैच कीजिए, यहाँ मैच हो गया। मैच होते ही 180 डिग्री घुमा के अपनी जगह पे ले आइए। नेक्स्ट स्टेप है, हमें इसके कॉर्नर्स को इसके सही जगह पे लेके आके जोड़ने का है। जैसे कि यहाँ ग्रीन है, भी यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ग्रीन इधर है। अभी जो ट्रायंगल है ग्रीन का, उसका जो कॉर्नर है वो लेफ्ट में फेस कर रहा है, और हमें इन दोनों में से ऐसा एज ढूंढने का जो लेफ्ट में फेस करे, जैसे कि ये हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये राइट में फेस कर रहे हैं और ये लेफ्ट में फेस कर रहे हैं, तो इसे बाजू में डालिए। जो लेफ्ट वाला है वो एज को उठाइए और मैच कीजिए, क्योंकि दोनों लेफ्ट में फेस करें तो मैच हो जाएगा, और नीचे लेके आइए। सेम ऑरेंज के साथ करना है, ऑरेंज इधर है जो भी परफेक्टली 90 डिग्रीज पे है। भी ये दोनों में से कोई हम एक किसी के साथ मैच करके यहाँ डालना है। अभी हम इसके साथ मैच नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट में पॉइंट करे, पर हम लोग का टॉप में पॉइंट करे 90 डिग्रीज, तो हम ये देखेंगे दूसरा एज। अगर हम इसे घुमाते हैं और इसे मैच करते तो देखिए मैच हो रहा है। अगर आपका कोई दूसरे डायरेक्शन में, तो फिक्र मत कीजिए, यही स्टेप कीजिए जब तक ये सही जगह पे नहीं आता। मैच हुआ, नीचे ले आइए। अभी ये येल्लो की बारी, येल्लो है इधर। अभी देखिए ये लेफ्ट में राइट में फेस कर रहे हैं, पर हमारे पास जो है वो लेफ्ट में फेस कर रहे हैं और एक जो है वो 90 डिग्रीज के लिए है। तो पॉज, ये राइट में फेस कर रहे हैं पर कोई भी राइट में फेस नहीं कर रहा है, तो आप एक जगह से इसे इंसर्ट कीजिए और दूसरी जगह से निकालिए, ताकि हम इन दोनों में से एक में डाल सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसमें डाल सकें क्योंकि 90 में है। इसको ऊपर लेके आइए, फिर ज्वाइन कीजिए, और नीचे क्योंकि तो ऊपर फेस करता तो हम इससे ज्वाइन किया। लास्ट ये जो है ब्लू ऑरेंज और येल्लो, वो अपनी जगह पे है पर रॉन्ग है, तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, बाजू में से डालेंगे वापस नीचे। अभी जो बेस कलर है वो देखना है, कि बेस कलर ये ऐसे जाएगा, तो मतलब ये हमें ऊपर लेके जाना है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये ऊपर और इधर। कभी कभी बेस कलर ऑरेंज हो सकता है और ऑरेंज इधर है, तो हमें ये उठाना है, ये ऐसे करना है और ये नीचे से, फर्स्ट लेयर हो जाएगा। अब फर्स्ट ट्यूटोरियल हो गया, अभी फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकेंड पार्ट के लिए वेट कीजिए।